बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट एडमिशन्स। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। वुमन यूनिवर्सिटी मुल्तान का बीएस के प्रोग्राम के लिए मेरिट फार्मूला क्या होगा वो आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि एडमिशन अभी तक ओपन है, स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं और साथ में कन्फ्यूज भी है मेरिट को लेकर। तो स्टूडेंट्स मेरिट फार्मूला मैं आपको बता दूंगा, क्लोजिंग मेरिट भी मैंने आपसे इस चैनल पर शेयर किया हुआ है, मेरिट फार्मूला बता दूंगा, आपने अपना मेरिट निकाल लेने, लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग मेरिट है उससे आपने कंपेयर कर लेने, आपको इजीली समझ आ जाएगी कि आपका एडमिशन इजीली हो जाएगा या नहीं होगा। बात करते हैं वुमन यूनिवर्सिटी मुल्तान की। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप इसमें अप्लाई कर लें जिन्होंने एडमिशन लेना है। सेकंड नंबर पर इसके मेरिट फार्मूले के बारे में मैं आपको बता देता हूं, लेकिन मेरिट फार्मूला बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच सके, तो उसके लिए आप चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। स्टूडेंट्स बात करते हैं वुमन यूनिवर्सिटी मुल्तान की, तो इसमें आपका जो मेरिट फार्मूला है बी एस के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए, उसमें आपकी 70% वेटेज जो है वो एफएससी पार्ट वन के मार्क्स की ली जाएगी और 30% वेटेज आपके मैट्रिक के मार्क्स की ली जाएगी। अब आप मैरिट किस तरह निकालेंगे, अपने 30% मैट्रिक के मार्क्स की वेटेज किस तरह निकालनी है? अगर आपके मैट्रिक में 1020 नंबर हैं तो 1020 ओवर 1100 मल्टीप्लाई आपने उसको 30 से कर देना है, तो आपकी 30% वेटेज निकल आएगी। इसी तरह आपने 70% वेटेज आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स की भी निकाल लेनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके फर्स्ट ईयर में 420 नंबर हैं तो 420 ओवर टोटल 505 मल्टीप्लाई 70, तो आपका ये दूसरा आंसर आ जाएगा। इन दोनों जो दो आंसर आए हैं इन दोनों को आपने जमा कर देना है, आपकी जो वैल्यू आएगी इन दोनों को जमा करने के बाद वो आपका मेरिट होगा। इस मेरिट को आपने जो है वो कंपेयर कर लेना है लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट से, वुमन जो लास्ट ईयर का वुमन यूनिवर्सिटी मुल्तान का क्लोजिंग मेरिट मैंने आपसे इस चैनल पर शेयर किया हुआ है, उससे कंपेयर कर लेना है, तो आपको इजिली समझ आ जाएगी कि आपका एडमिशन हो सकेगा वुमन यूनिवर्सिटी मुल्तान में या नहीं हो सकेगा। मजीद आपको कोई सवाल हो वो आप कमेंट कर दें, व्हाट्सएप पे जाकर स्टूडेंट्स मैसेज ना किया करें बार बार और कॉलें वगैरह ना किया करें, मैं इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं तो मैं पहले ही माजरत आपसे करता हूँ, पहले भी आपको बताता रहता हूँ कि इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स को रिप्लाई नहीं किया जा सकता। जो भी सवाल हो इधर ही कमेंट कर दिया करें, मैं इधर ही आपको रिप्लाई करने की कोशिश किया करूँगा, इधर ही आपको कमेंट देख कर उसकी वीडियो बनाकर आपसे शेयर कर दिया करूँगा। कोई सवाल हुआ का मजीद वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें। दुआओं में याद रखिएगा, मुलाकात करते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।